श्श, जल्दी से उठ कीड़े, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पर मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। क्या? मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। ठीक है, तू सर यहीं पर कीड़े, मैं चला, तू रह। ठीक है हेनरी, मुझे तो यहाँ रह के अपना ट्रेकिंग बेल्ट जीतना है। तू तो आ रहा है ना? नहीं, मैं नहीं आ सकता, कल मुझे 200 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेना है। बट तू तो भागेगा ना मेरे साथ। ऐसा क्यों? तू खोदना शुरू कर, मैं नजर रखता हूँ। बट क्या ये तू है? ऐसा क्यों? बूम! हम सब जल्दी भागेंगे, हम सब जल्दी भागेंगे, हम कभी नहीं हारेंगे, हम कभी नहीं हारेंगे। नहीं, हम सब जल्दी भागेंगे, हम सब जल्दी भागेंगे, कभी नहीं। हमने कर दिया, हम अब भाग सकते हैं। तू ठीक तो है ना बर्ड? ऐसा क्यों? ठीक है, इसके पहले कि वो लोग आ जाए हमें भागना होगा। घर जाने का रास्ता कौन सा है? ऐसा क्यों? हम घूम गए। क्या होगा अगर हम यहाँ से निकल नहीं पाए? क्या होगा अगर वो हमें ढूंढ नहीं पाए? क्या होगा अगर जानवरों ने हमें खा लिया? ऐसा क्यों? पर तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है बर्ड? ऐसा क्यों? पिज्जा है कि चिप्स? ऐसा क्यों? बर्ड, पिज्जा या चिप्स या फिर बर्गर, अगर तुझे एक लेना ही होगा तो बोल। ऐसा क्यों? रुको, वो दोनों यहाँ से गए हैं। तुम्हें कैसे पता? निशान, ये च्युइंगम, और वो रहा सबसे बड़ा सबूत, हेनरी का स्केटबोर्ड। ये मुझे तो लगा था कि मैं तुझे कभी देख नहीं पाऊंगा। ओ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। नहीं तुझे नहीं, मैं मिस्टर किल को बोल रहा था। हम पीटर की वजह से ही तुम्हें ढूंढ पाए, अब क्या हम तुम्हारे दोस्त के उठने तक इंतजार करें? ऐसा क्यों? तो बच्चों, आखिरी में मैं देना चाहूंगी कैंप सनशाइन अवार्ड्स, और हंटर ट्रैकर और स्काउट अवार्ड का विनर है पीटर। कांग्रेचुलेशंस पीटर। ओ वाओ, मुझे एक बैच मिल गया। वेरी गुड पीटर। और दूसरा अवार्ड है जंगल में मंगल का, और इस साल एक लड़के ने बिल्कुल यही किया है, और वो है हेनरी। क्या? बहुत खूब हेनरी। और हर साल की तरह हमारे दोनों विनर्स को मिलता है 3 हफ्ते की छुट्टियां मनाने का मौका। अरे वाह, कहाँ? बिल्कुल यहाँ कैंप सनशाइन में। अब ये देखो, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
गंदा बैग, गंदा गंदा बैग। ओए, तुम गंदा किसे कह रहे हो? किसी को नहीं। ओह, लगता है तुमने खुद को फिर से फंसा लिया है हेनरी। तुम क्या कह रही हो मार्गरेट, फिर से फंसा दिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा बुद्धू। ओ, मैं क्यों तुमसे बातें कर टाइम वेस्ट कर रही हूँ? मैं चली। तो आई ही क्यों थी? गंदा गंदा बैग। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। ओह, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये बैग तो फट गया। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। ये लो। पर और ये सब फटाफट साफ करो। लेकिन परवर नहीं हेनरी, इसे साफ करो और फिर अपना रूम भी ठीक करो। लेकिन क्यों? क्योंकि ग्रेट आंट ग्रेटा लंच पर आ रही है। उसका मेरे रूम से क्या ताल्लुक? कहाँ न जाओ। क्या वो मेरे रूम में लंच करने वाले हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। आज दिन बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा। ओह, बहुत बढ़िया हेनरी। बहुत ही बुरा दिन है आज। चलो फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, ओ, 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 संभल कर हेनरी बेटा। पापा आप संभालिए। ये बड़े लोग अपना काम खुद भी नहीं कर सकते हैं। हाँ बोलो। वाओ, आप क्या कूल लग रहे हो हेनरी। डैड को तो ये बिल्कुल भी कूल नहीं लगा। उन्हें लगा कि सारी गलती मेरी ही है, और शायद वो सही भी थे। मुझे यही चुपचाप बैठ के कॉमिक्स पढ़नी चाहिए। हेनरी, हेनरी। तुम यहाँ हो हेनरी। हाँ? चलो नीचे आओ और ग्रेट आंट ग्रेटा को हेलो बोलो। हेलो ग्रेट आंट ग्रेटा। हेनरिएटा, कैसी हो मेरी प्यारी बच्ची? उनके लिए मैं लड़की हूँ। हेनरी, नीचे आकर ग्रेट आंट ग्रेटा के साथ बैठो। और डोनाल्ड। और आप है डोनाल्ड? डोनाल्ड। डोनाल्ड? हाँ डोनाल्ड, मैं अब डोनाल्ड। मैंने डोनाल्ड को तुम्हारे बारे में बताया। डोनाल्ड? डोनाल्ड को मैंने तुम्हारे बारे में सब बताया है हेनरिएटा। अच्छा, क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया है कि तुम्हें मिनी स्कर्ट्स पहनना पसंद है। बढ़िया। और स्केपिंग करना भी। और ये कि तुम्हारे पास मिस्टर बेल नाम का एक टेडी बेयर भी है। इस तरह जरा मेरी बात सुनो हेनरिएटा, क्या तुम डोनाल्ड को डोनाल्ड क्या तुम डोनाल्ड को अपना अद्भुत किला दिखाओगे? ओह ठीक है, आइए आइए। डोनाल्ड को मेरा किला देखना है। डोनाल्ड, जाओ जाओ, देखो ना। ओह बारबेक्यू सुफ्ले, मेरा फेवरेट। किशमिश के साथ? ओह दिलचस्प है। हाँ, कुछ नया ट्राई किया है। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। पीटर, तुम सबको बताते क्यों नहीं आखिर क्या हुआ? मैंने एक आवाज सुनी और मैं उस तरफ देखने गया और झाड़ियों में मिली एक छोटी सी मियाओ, मिस ऑडबोर्ड के आंगन में। और उस वक्त हेनरी कहाँ था? मुझे नहीं पता। ऑब्जेक्शन। किस लिए? ऐसे ही टाइम पास, पिक्चरों में ऐसे ही बोलते हैं ना। प्रोसीड। तो बात बिल्कुल साफ है, हमारा पीटर एक बिल्कुल अच्छा नागरिक है जो खुद की परवाह किए बिना एक छोटी सी बिल्ली की मदद करता है। oh. और उसकी जान बचाता है। मैं दावे के साथ कहती हूँ माय लॉर्ड कि पीटर एक जाबाज हीरो है। आप कुछ सवाल करना चाहेंगे राल्फ? पीटर,
क्या आप हेनरी से दूर नहीं भागे थे जब उसने बॉल को लात मारी थी? हाँ, क्योंकि वो मुझे बॉल मारना चाहता था। पीटर, मेरे नादान बच्चे, वो तो आंगन की तरफ एम कर रहा था उस छोटी बिल्ली को बचाने के लिए। रिएक्शन के लिए थैंक यू। तुम मौका है वारदात से भाग निकले। हाँ हाँ, मैं भागा तो था लेकिन। और इससे पहले कि हेनरी उस नन्ही बिल्ली को बचा सकता। फिर से थैंक यू। तुम वहाँ पहले भागे ताकि तुम्हें इनाम मिल सके, है ना? नहीं, ऐसी बात। और कोई सवाल नहीं माय लॉर्ड। टेंशन मत लेना, बस कॉन्फिडेंट रहना। हेनरी, क्या तुम कटघरे में आओगे प्लीज? जज साहिबा, हेनरी के बारे में सबको गलत फहमी है। वो लगता शैतान है, बाहर से सख्त है पर अंदर से एकदम नरम है। सॉरी हेनरी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि उसने चैरिटी के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, कौन सी चैरिटी के लिए? गलत फहमी के शिकार बच्चे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जज साहिबा कि हेनरी एक गाय है। उसने इस छोटी नन्ही बिल्ली की जान बचाई, पर पीटर उससे पहले वहाँ पहुँच गया। और हेनरी को जानवरों से बहुत प्यार है। चलो जरा देखते हैं हेनरी को जानवरों से कितना प्यार है। अरे मेरी म्याँ म्याँ है ही थोड़ी सी शरारती। सबूत आपके सामने है। क्या ये एक जानवर प्रेमी के आसार है? नहीं, ये है आसार सिर्फ एक शैतान के, हेनरी के। तो क्या आप लोगों ने फैसला कर लिया है? पीटर की साइड पर है 6 लोग और हेनरी की साइड पर है 6 लोग। ऑर्डर ऑर्डर। मैं एक खास चश्मदीद गवाह को पेश करना चाहता हूँ। क्या? मैं बुलाना चाहता हूँ छोटी मियाओं को। तुम उस छोटी मियाओं को गवाह बनाना चाहते हो? ये तो पागलपन है। बिल्ली का बच्चा सारी सच्चाई जानता है। छोटी मियाओं को हाजिर किया जाए। तो छोटी मियाओं, क्या तुम्हें वो इंसान दिखाई दे रहा है जिसने तुम्हारी जान बचाई? जरा ध्यान से देखो। इसने कहा हाँ। ऑब्जेक्शन! बिल्लियाँ बात नहीं कर सकती बेवकूफ। बस बहुत हुआ। हेनरी, पीटर, यहाँ मेरे सामने खड़े रहो। छोटी मियाऊ जिसके पास भाग कर जाएगी वही सच्चा है। हेलो छोटी मियाऊ। गवाह को गुमराह मत करो। पर मैंने उसे बचाया था मामा। हाँ, ये आइडिया बड़ा काम का निकला। मछली है, सारी बिल्लियों को ये पसंद है, तो इनाम मेरा हुआ। हाँ, इनाम के पैसे तो मेरा दरवाजा ठीक करने में मुझे लगेंगे, तो भूल जाओ इनाम। नहीं। ओ, तुम क्या कर रहे हो? ओ, बस थोड़ा होमवर्क। तुम होमवर्क कर रहे हो? हाँ। क्यों? तुम्हें पता नहीं? क्या पता नहीं है? गोल्ड स्टार से भी एक्स्ट्रा गुड वाली स्कीम के बारे में। वो स्कीम जिसमें तुम प्लीज और 3 बार थैंक यू बोलते हो तो तुम्हें गोल्ड स्टार मिल जाता है? नहीं। तो क्या वो स्कीम जिसमें तुम जूते और घर चमकाते हो और गोल्ड स्टार मिल जाता है? नहीं, वो भी नहीं। अच्छा, फिर पता नहीं, मुझे किसी और स्कीम के बारे में पता नहीं। तो तुम्हें स्कीम के बारे में पता नहीं जिसमें तुम्हें एक्स्ट्रा गोल्ड स्टार मिलेंगे अगर एक्स्ट्रा होमवर्क करोगे? रुको, चालाकी कर रहे हो? क्योंकि ये तो मिस लवली के गोल्ड स्टार से भी एक्स्ट्रा गुड वाली स्कीम जैसा नहीं लगता है। वही है, अगर तुम बिना कहे होमवर्क कर दो तो। ओह, पता नहीं मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं है। क्योंकि ये टॉप सीक्रेट है, एकदम स्पेशल लोगों को ही ये करने को मिलता है। पर मैं भी स्पेशल हूँ।
है ना? शायद डिपेंड करता है। किस बात पर? कि तुम बिना कहे होमवर्क कर सकते हो या नहीं। बच्चों नाश्ते के लिए नीचे आओ। तुमने तो अभी तक कोई होमवर्क किया ही नहीं है। ओ, पर मैं करने वाला हूँ ना। देखो पेंसिल तैयार है ना? ये देखो मैंने शुरू कर दिया। तुम अब क्या कर रहे हो? मैं उन सभी गोल्ड स्टार्स के बारे में सोच रहा हूँ। वो स्टार्स मुझे ही मिलेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बच्चों नाश्ता लग गया। तेरा सैंडविच ले आऊंगा। चीज वाला लाना है जी। क्या मैं ऊबर जीनियस से बात कर रहा हूँ जिसने ऊबर होमवर्क ऐप बनाया है? हाँ बिल्कुल सही। काम कैसा चल रहा है ऊबर ब्रांड? बढ़िया से भी बहुत बढ़िया चल रहा है। हमें काम की ढेर सारी बुकिंग्स मिल रही हैं। बल्कि अभी तुम्हारे पास बस कुछ ही देर में पैकेज पहुँचते ही होंगे। बस अभी। कोई बात नहीं मॉम, मैं खोलता हूँ। अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक है ना हेनरी? हाँ सब कुछ ठीक है मॉम। और पीटर तो ठीक है ना, क्योंकि आज उसे बहुत सारा होमवर्क मिला है। हाँ वो भी ठीक है, मैं उसी की मदद करने जा रहा हूँ। कितनी प्यारी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम दोनों मिलजुल कर काम करते हो। मुझे भी। तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे, पार्सल में कम से कम 20 होमवर्क की बुकिंग मिली है। ओ हाँ, अभी तो और भी आएंगे। क्या आज रात? ओ हाँ, और हमें सबकी तरफ से 5 स्टार्स मिल रहे हैं। बढ़िया। रुको, उन्हें अभी तक अपने होमवर्क नहीं मिले। पता है उन्हें नहीं मिल रहा है, पर हमारे ऐप का बोल पाल रहा है हेनरी। कल मिलते हैं। क्या अभी सब कुछ ठीक है हेनरी? ओ हाँ सब ठीक है, चिंता मत करो मॉम। काम कैसा चल रहा है कीड़े? मेरा मतलब काम कैसा चल रहा है हैप्पी होमवर्क हेल्पर? वैसे मैंने इतना काम कर लिया है, बस ये वाले बचे हैं। और ये भी। ओ नहीं, वो तो मैं कल ही करूँगा। यानी आज रात पीटर? नहीं मतलब कल ही करूँगा, मेरा सोना भी जरूरी है। नहीं मतलब आज रात। शायद मैंने तुम्हें डेडलाइन के बारे में नहीं बताया था। कौन सी डेडलाइन? सबसे ज्यादा गोल्ड स्टार्स कमाने की डेडलाइन। वो वाला? नहीं तुमने मुझे नहीं बताया था हेनरी। शायद भूल गया, वैसे एक डेडलाइन है आज आधी रात तक। क्या आज आधी रात तक? हाँ आज आधी रात तक, वरना। वरना क्या हेनरी? वरना सारे गोल्ड स्टार्स भूल जाओ।